राम जन्मभूमि अयोध्या में 5 ऑगस्ट रे थनारा राम मंदिर भूमिपूजन शिलान्यास प्रसंगे 92 वर्षीय तपागच्छाधिपति हस्ते जैन समाज द्वारा 11 किलो चांदी द्रव्य अर्पण करायु आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सभ्यों की हाजरी में आ दान कर अयोध्या खाते भव्य राम मंदिर निर्माण पमी रू हो आगामी 5 ऑगस्टे शिलान्यास होने लई सूरत 92 वर्षीय तपागच्छाधिपति जैनाचार्य मनोहर कीर्तिसागर सुरेश्वरजी महाराज तथा तपागच्छीय प्रवर समिति कार्यवाहक महामांगलिक प्रदाता कच्छाधिपति जैनाचार्य विजय अभिदय सुरेश्वरजी महाराज साहेब आशीर्वाद थी जैनाचार्य बुद्धिसागर सुरेश्वरजी जैन सामधि मंदिर ट्रस्ट विजापुर तथा शुभ मंगल फाउंडेशन गुरु राम पावन भूमि सूरत ट्रस्टीगण शुभ हस्ते 11 किलो रजत द्रव्य अर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना प्रांत कार्यवाहक यशवंतभाई चौधरी और सूरत शहर कार्यवाहक सुरेशभाई मास्टर तथा वीआईपी सूरत शहर उपाध्यक्ष विक्रमजी शेखावत वगैरह की हाजरी में कर 11 किलो रजत द्रव्य अयोध्या खाते मुकाशे जैनाचार्य भूमिपूजन शिलान्यास प्रसंगे मंदिर निर्माण कार्य निर्विघ्ने परिपूर्ण थाय हेतुसर समग्र जैन समाज में सौने वधु ने वधु नौकार महामंत्र नो जाप मांगलिक आयम बलि तप जैनालय में प्रभु भक्ति स्वरूप स्नातन महोत्सव अंगरचना सांजे आरती मंगला दीवो करवा द्वारा दीपोत्सव कर सद्भावना प्रकट करने प्रेरित कर राष्ट्रना समग्र समाजे निर्माण थनार ऐतिहासिक राम मंदिर में भाग लेव जोईए तेमे वधुमां जैन समाजे जणाव्युं हतुं। आज रोज यहाँ पर एटले के सूरतना केन्द्र समाज स्थान श्रद्धाना स्थान गुरुराम पावन भूमिनी अंदर परम पूज्य कच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री विजय अभयदेव सुरेश्वरजी महाराज साहेबनी आशीर्वाद थी एक सनातन धर्म साथे जोड़वानो एक अनोखो कार्यक्रम करवामां आव्यो जे के 5 ऑगस्टे राम जन्मभूमिनी अंदर शिलान्यास भूमिपूजन वडाप्रधान श्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी हस्ते जवा थई रही छे ते प्रसंगे अमारा जैन समाज तरफ थी अने तपागच्छाधिपति मनोहर कीर्ति सागर सुरेश्वरजी महाराज साहेब साथे साथे कच्छाधिपति तपागच्छीय प्रवर समिति कार्यवाहक अभयदेव सुरेश्वरजी महाराज साहेबनी प्रेरणा थी आशीर्वाद थी 11 किलो चांदी नो पाठ त्यां शिलान्यास में मुकवा माटे एक एमना गुरुभक्तों द्वारा अर्पण करवामां आवी साथे साथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने अर्पण करवामां आवी अने एक 5 ऑगस्टना लीधे जैन समाज ने एक आगवी प्रेरणा करवामां आवी कि आ 5 ऑगस्टनो एक त्यौहार छे राम मंदिरनो तो एनी अंदर अपने नवकार मंत्रना वधु ने वधु जाप करो आंबिलनो तप करो अने सांजे आरती मंगल दिवा समय रही अने दीपोत्सव करो आवो एक मंगल प्रेरणा पण करवामां आवी छे। आ कार्यनी अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना कार्यकर्ताओ अने विश्व हिंदू परिषदना कार्यकर्ताओ पण उपस्थित रहे अहींथी ए चांदनी पाठ अयोध्या सुधी मोकलवामां आवशे अने त्यां आगळ शिलान्यासमां वडाप्रधानशीना हस्ते રાખવામાં આવશે। સુરેશ માસ્ટર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સુરત મહાનગર સંઘ ચાલક વૈસે ત્રેતાયુગ મેં ભગવાન શ્રી રામને જન્મ લિયા ઓર ત્રેતાયુગ મેં હી શરીરનિ મેં ભગવાન શ્રી રામ દેહ કા રામ શ્રી રામ કા દેહ વિલય હુઆ ઇસકે બાદ ઉસકે સંતાન શ્રી લવ ઓર કુશને भगवान श्री राम की याद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और भगवान श्री राम की मूर्ति पिताजी की मूर्ति वहां स्थापित की रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके विश्व प्रसिद्ध यह मंदिर कहलाया। इसके बाद विदर्भियों द्वारा ये सहा नहीं गया मंदिर के ऊपर आक्रमण किया शक खून ऐसे कई लोगों ने मंदिर पर आक्रमण किया मंदिर का ध्वंस किया। इसके बाद विक्रमादित्य राजा ने संघर्ष करके फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद कालक्रम में इस्लाम में बाबर नाम का एक लुटेरू भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया मंदिरों को ध्वंस किया। इसमें अयोध्या में भव्य मंदिर राम मंदिर था भव्य मंदिर जिसका पूरे विश्व में ख्याति थी वो मंदिर ध्वंस करने का प्रयास किया। लाखों लोगों ने अपना वीर गति इसमें प्राप्त बचाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए लाखों लोगों ने वीर गति प्राप्त की और इसके बाद जब मंदिर नहीं टूटा तो बाबर ने तोपों का प्रयोग करके मंदिर भव्य मंदिर ध्वंस किया और उसी अवशेष को लेकर एक गुंबज का निर्माण किया जो कि मुल्ला और मौलवी वहाँ से आने जाने में विश्राम स्थान वो मस्जिद था ही नहीं हमारे लिए कलंक था हिंदुओं ने वो कलंक को मिटाया और उसके बाद उसी समय एक भव्य मंदिर निर्माण की कल्पना की थी वो प्रतिज्ञा वो कल्पना
आज 5 तारीख को साकार होने वाली है। प्रशासन के द्वारा भी एक विजय हमें हिंदुओं को प्राप्त हुआ है। हिंदुओं के विश्व में कई ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश है, फिर भी भगवान श्री राम हृदय में बसा हुआ है। ये सभी ऐसे राम भक्त के हृदय में 5 तारीख का विजय दिवस, ये एक प्रकार का संतोष व्यक्त करने का दिवस है, विजय दिवस है। आज यहाँ गुरु राम पावन भूमि पर पूज्य जैन संतों के माध्यम से अयोध्या में जो भगवान राम का जन्मभूमि का जो मंदिर बनने जा रहा है, उसके भूमि पूजन के अवसर पर 5.25 किलो को चांदी की ईंट भेजने का कार्यक्रम है। ये 500 वर्ष की लड़ाई के बाद हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम सब लोग देखने वाले हैं। हिंदू समाज खूब हर्ष और उत्साह के साथ इस भगवान राम की जन्मभूमि के जो मंदिर बन रहा है उसकी खूब खुशी व्यक्त करता है। सर, आप यहाँ से आप में से कौन जाने वाला है? हमारे यहाँ से अभी कोई नहीं जाने वाले। सभी हिंदू समाज को ये संतों ने कहा है कि अपने घर पर 5 दिए जलाए, आरती करे, मिठाई बांटे। अयोध्या में पूज्य संत श्री रहने वाले हैं। अभी कोई सभी हिंदू समाज का आह्वान नहीं है, जब भी आह्वान होंगे तब जाएंगे। आप सूरत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 5 तारीख के दिन सारे हिंदू समाज के सारे सूरत के लोग अपने घरों पर दिया जलाए, दोपहर में भगवान राम की आरती करें और पूरा सूरत राममय बने, यही हमारा विश्व हिंदू परिषद का आह्वान। अयोध्या खाते भव्य राम मंदिर बनी रहे त्यां डिजाइन निर्माण में राष्ट्र समग्र समाजे आगळ आवो जोईए, साथे आ ऐतिहासिक घटना में सूरत योगदान पर रहे छे तेम तेमणे वधुमां जणाव्युं हतुं। અઝર કુરેશી સાથે પ્રકાશ વાળા જી 24 ન્યૂઝ।